हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम के बारे में। हम यहां पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में जो इतनी बड़ी गिरावट आई उसको हम एनालाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो है कैश के डाटा को एक्सेल शीट में या गूगल शीट में अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दिया था, और अगर आपको उसके रिलेटेड ज्यादा जानना हो और उसके लॉजिक के बारे में जानना हो तो आप हमारे पुराने वाले वीडियो को आई बटन में जाकर देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का पार्ट वन है। और उसी गूगल शीट को लेके हम लोग उसके गूगल शीट के डाटा के रेस्पेक्ट में प्राइस को कंबाइन करके हम लोग जो है एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि कैसे कैसे कैश में जो है सेलिंग आया इस अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में, और उसके रेस्पेक्ट में प्राइस कैसे कैसे बिहेव किया और धीरे धीरे करके कैसे इतनी बड़ी गिरावट आ गई, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहां पर अपना जो रिपोर्टिंग है करके सही जगह पे सही समय पे हथौड़ा मारा, जिसके कारण की गिरावट जो है बहुत जबरदस्त हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर अडानी एंटरप्राइजेस का हमने जो डाटा पहले बनाया था गूगल शीट में उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इक्विटी का उपयोग किया था, एक प्रकार के इक्विटी सेक्शन जिसको हमने एनएससी के साइट में लिया था। फिर यहाँ पर क्लोज प्राइस को लिया था हमने, फिर डिलीवरी वैल्यू करोड़ में और डिलीवरी 5 डे का एवरेज डिलीवरी। यहाँ पर 5 डे का एवरेज डिलीवरी हमने इसलिए लिया है, कई बार आप कोशिश करेंगे डाटा निकालने की एनएससी साइट से, और उस डाटा को अगर आप एक्सेल शीट में रखेंगे अरेंज करने के लिए तो कई बार जो है एक एक जो सेल रहते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके कारण कि पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डे के डाटा को स्टडी करेंगे तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर उस डाटा को अगर आप एवरेज में स्टडी करें तो वहां पर वो डाटा का जो रिलेवेंस है या उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 5 डे का एवरेज डिलीवरी लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस सेक्शन में। तो फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर एक डेट का सेक्शन भी क्रिएट किया था, और उसके बाद हमने प्राइस का भी सेक्शन क्रिएट किया था। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया था, जो कि 2% से अगर ज्यादा चेंज हो तो वहां पर ग्रीन, और 3% जो कि माइनस है उससे ज्यादा रहे तो वहां पर रेड आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस डिफरेंस को स्टडी करें तो यहाँ पर 1% 1.5% का मूवमेंट तो ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो है बहुत वोलेटाइल है, इसलिए जो ज्यादा प्राइस के फ्लक्चुएशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने रेड और ग्रीन कलर में से डिनोट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर डिलीवरी का सेक्शन लिया है और डिलीवरी में एवरेज डिलीवरी लिया है। फिर यहाँ पर वी वेब, जैसा कि हमने पहले हमारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम लोग अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट को खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस डाटा को जो है डिकोड करके यहाँ पर प्राइस में रख दिया है, जिसके कारण कि आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर डे में अगर डाटा को स्टडी करते हुए प्राइस को जस्ट बगल में रखें और वहां पर जो सेलिंग आई है उसको लिखते जाए तो आपको एक क्लियर पिक्चर पता चलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर में सितंबर 21 में 2022 में जो है पहली बार शॉर्ट सेलिंग आया, जहां पर कि पहले जो प्राइस है उसको ऊपर लेके जाया गया। फिर 16 सितंबर 2022 को आप देख सकते हैं 409 करोड़ का सेलिंग आया, और यहां पर अगर आप 16 सितंबर को देखें 2022 को तो यहां पर भी 409 करोड़ का सेलिंग यहां पर दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कर्सर में। तो यहाँ पर जो है ह्यूज सेलिंग आई, लेकिन यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं आप उतना ज्यादा मूव नहीं किया, वोलेटाइल हुआ लेकिन क्लोजिंग जो है एक आसपास हुई बीच रेंज में। फिर देख सकते हैं आप उसके बाद एक थोड़ी लंबी बार बनी और वहां पर भी सेम जो है 409 करोड़ का सेलिंग आया, जो कि था तारीख 21 सितंबर 2022 का। तो यहाँ पर अगर आप 21 सितंबर 2022 को देखें तो यहाँ पर भी सेम 409 करोड़ का जो है सेलिंग आया। तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है और यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। तो जब भी आप डाटा को चार्ट में रखें तो एक एक कैंडल जिस दिन बड़ा बड़ा वॉल्यूम्स में काम हुआ उसको अगर आप उस डिलीवरी वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पर जमाते जाए, जैसे कि हमने जमाया है
16 सितंबर 2022 में 409 करोड़ रुपए, 21 सितंबर 2022 में 409 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो पिक्चर है और अच्छे से क्लियर हो जाती है और ये पता चलना चालू हो जाता है कि बड़ा प्लेयर इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमने हमारे पुराने वाले वीडियो में बताया है और कई बार जिक्र भी किया है कि जब भी आप कभी प्राइस को देखें तो वहां पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये जो है लक्ष्मण रेखा का काम करता है। और जब भी इस लक्ष्मण रेखा को नीचे साइड या ऊपर की साइड काटा जाता है प्राइस के द्वारा, तो वहां पर जबरदस्त सेलिंग को देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके प्राइस जो है क्लोजिंग किया, जो कि तारीख था 29 सितंबर 2022 यानी कि 29 सितंबर 2022, यहाँ पर सीधा सीधा जो है 3200 करोड़ की सेलिंग आई, जो कि एक प्रकार से बहुत भयानक प्रकार की सेलिंग हो जाती है। अगर इससे पहले के डाटा को आप स्टडी करें जो कि ये 409 करोड़ रुपए और 409 करोड़ रुपए उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो है जबरदस्त सेलिंग आया। और जैसा कि आप लोग डेरिवेटिव को जानते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर जो प्राइस है या ऑप्शन जो प्राइस है वो कैश के डाटा से ड्राइव हो सकता है। तो अगर कोई आदमी कैश में सेलिंग करता है और कैश में अगर बाइंग ना है तो फ्यूचर को बाय करके भी चढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर एक डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर 3200 करोड़ का पहला सेलिंग है। फिर आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके यहाँ पर प्राइस को कंसोलिडेट करवा ले, देखिए वहां पर प्राइस को जो है 20 पीरियड ऊपर क्लोज करवाया गया मूविंग एवरेज के। और फिर वहां से आप प्राइस को देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ थोड़े थोड़े मात्रा में प्राइस जो है फिर रिकवरी करना चालू कर दिया। और इस डाटा को अगर आप देखने की कोशिश करें जो कि है 31 अक्टूबर 2022, यहां पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2022, इसको आप यहां पर डाटा में इस तरीके से और भी एनालाइज कर सकते हैं कि यहां पर डिलीवरी क्वांटिटी या डिलीवरी परसेंटेज जो है एवरेज वो बढ़ता जा रहा है, 68%, 27%, 34% और 17%। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 6% जो है प्राइस बढ़ा, फिर दूसरा 68 पॉइंट, फिर दूसरा आप देख सकते हैं 6.8%, फिर प्राइस बढ़ा, यानी कि यहां पर डिलीवरी के साथ साथ प्राइस बढ़ रहा है। फिर यहां पर 3% भी बढ़ा प्राइस, और जैसे जैसे डिलीवरी के साथ प्राइस जो है बढ़ता है तो वहां पर एक तेजी देखी जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर प्राइस जो है 17-18% अपने हाई के क्लोज से एक नया हाई फिर से बनाया, जो कि 4000 का हाई था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस जगह पे, इसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करके आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, तो फिर उसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्राइस फिर उसके बाद जो है स्ट्रेंथ दिखाना है या ताकत दिखाना चालू नहीं किया। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करना चालू हुआ, यानी कि ठहर सा गया, उसके बाद मार्केट में जो है गिरावट आई और जो इकोनॉमिक सिनेरियो वीक हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 21 दिसंबर 2022 को यहाँ पर फिर 207 करोड़ का सेलिंग आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि जब 3200 करोड़ का सेलिंग आया तो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 207 करोड़ का जब सेलिंग आया तो प्राइस जो है सीधा नीचे आ गया। तो यहाँ पर फ्यूचर में बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर शॉर्ट बनाया हुआ है, जिसके कारण कि एक बार के लिए जो प्राइस है वो पूरा नीचे ही आ गया 20 पीरियड मूविंग एवरेज के। और 21 दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर 2022 को यहाँ पर दूसरा शॉर्ट अटेम्प्ट जो है यहाँ पर लगाया गया। और इस बार जब शॉर्ट अटेम्प्ट लगाया गया और इकोनॉमिक सिनेरियो जो है मंदी की ओर या रिसेशन की ओर बढ़ी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका इस प्रॉपर सिनेरियो में भी वर्क हुआ। यहाँ पर फिर से जो प्राइस को कंसोलिडेट करवा के, चाहे वो ऑपरेटर है चाहे वो कोई भी हो, उसको वापस ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर 20 पीरियड का जो लक्ष्मण रेखा है वहां पर जैसी प्राइस आ रहा है वहां पर फिर से यहाँ पर सेलिंग आया जबरदस्त तरीके से 121.7 करोड़ का, जो कि 10 जनवरी 2023 में है। इसको भी आप डाटा से स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे
115 करोड़ का है, और लेकिन ये एक्चुअली जो है 121 करोड़ की सेलिंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया इंडिविजुअल आप डाटा को देखेंगे तो वहां पर समझने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग आया वो बहुत जबरदस्त प्रकार का सेलिंग आया, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण रेखा से उसको जो ऑपरेटर है जो कि ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा है उसको इस लक्ष्मण रेखा से प्राइस को घुमाना नहीं था, यानी कि ऊपर नहीं ले जाना था, और वो वहां 20 पीरियड मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल रहा था। तो फिर यहाँ पर जबरदस्त प्रकार की सेलिंग आई, फिर देख सकते हैं कि प्राइस जो है लोअर लो बनाना चालू कर दिया। अब लोअर लो यानी कि जब भी प्राइस कोई नीचे आता है तो सीढ़ी की तरह आता है, एक बार नीचे आएगा फिर हल्का ऊपर जाएगा फिर दूसरा बार नीचे आएगा। तो यहाँ पर पहली बार नीचे आया, फिर सेकेंड बार जो सपोर्ट को तोड़ के फिर ये नीचे आया, और यहाँ पर हमने सपोर्ट लाइन को भी बढ़िया तरीके से डिनोट कर दिया। और जैसे ही ये सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए नीचे आया और ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे था, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सेलिंग बढ़ी, और ठीक यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया उसने जनवरी 24 को, और उससे एक दो दिन पहले तक भी इसने तोड़ने का कोशिश किया, और वहां पर ठीक सही समय पे सही जगह पे हिडन बग ने आके जो है हथौड़ा थोपने का काम किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 3400 से जबरदस्त करेक्ट होके जो है 1600 तक चला गया। अगर यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सेलिंग करे तो उसके लिए जो है पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी जो है बहुत जबरदस्त बन जाता है। लेकिन ये यहाँ पर दोधारी तलवार है, यहाँ पर जिस तरीके से प्रॉफिट बनता है उस तरीके से लॉस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको अगर डाटा के साथ स्टडी करने का कोशिश करें और यहाँ पर कई सारी चीजों को रिस्क को मैनेज करके काम किया जाए तो यहाँ पर शॉर्ट करने से आप बहुत अच्छे एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो में हमने जो प्राइस है उसको और यहाँ पर डाटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक आपके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करने का एक कोशिश किया है कि अगर आप इस चीजों को होलिस्टिक तरीके से या अच्छी तरीके से देखें तो आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमाने के मौके खोज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ऐसी और एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर प्लस बनाएं ताकि ये सारी नॉलेज जो है और ऑडियंस तक फैले और लोगों के स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के तरीके जो है और बेहतरीन होते जाएं और वो लॉस कम से कम करते जाएं। धन्यवाद।